हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुछ भी सीखो विद तनवीर। आज हम इस जैकेट का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। प्लीज़ सबसे पहले तो इसके लिए एक लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दें। इस जैकेट को रेडी करने में मेरा टोटल 300 ग्राम ऊन लगा है। अगर इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई मैं कर देती हूँ। ये जैकेट वीडियो में आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। देखिए, इसका जो मैंने बॉर्डर और बटन पट्टी बनाई है, इसका लुक कुछ अलग ही आता है। इस जैकेट को मैंने 36 साइज़ के लिए बनाया है। अगर आप बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं तो वो आगे मैंने डिटेल से बताया है। तो चलिए इसका फुल मेज़रमेंट देख लेते हैं। ये इस जैकेट की पूरी लेंथ देखिए, देखिए 24.5 इंच। ये देखिए इसका चेस्ट साइड देखिए, 18 इंच। देखिए इस जैकेट को मैंने 7 फ्लावर से रेडी किया है। अगर आप बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं तो उसको आप 8 फ्लावर से रेडी करें। 8 फ्लावर से जो बनाएंगे तो वो 40 से 42 साइज़ के लिए परफेक्ट रहेगा। अगर आप 34 साइज़ के लिए बनाना चाहते हैं तो ये 7 फ्लावर से ही बनाएँ। और बस आप यहाँ पर क्या करें, बीच में हमने यहाँ पर क्या किया है, 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन 2 डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर सिर्फ 4 डबल क्रोशिया बनाएँ। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ बीच में देखिए 2 डबल क्रोशिया 2 चैन 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे आप 4 डबल क्रोशिया बनाएं। इस तरह बनाएंगे तो आपका नीचे लूज़ रहेगा और ऊपर आपके साइज़ का रहेगा, यानी कि इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने इसके चारों तरफ आउटलाइन कम्प्लीट कर लिया था। आज सेकेंड पार्ट में इसके आगे बनाएंगे। तो इसको हम ये फ्रंट साइड है, इसको हम बैक साइड करेंगे। बैक साइड करेंगे, यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले हम बनाएंगे 3 चैन, 1 2 3। देखिए आप पहले इसमें यहाँ समझ लीजिए कि आपको बनाना कैसे है। देखिए ऊपर हम कैसे बनाएंगे, हम आपको दिखा रहे हैं एक फ्लावर पे हमने कितने बनाया। देखिए स्टार्ट में तो हमें 3 चैन बनाना है। यहाँ से देखिए हम जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पहले 3 चैन बनाएंगे, फिर इसमें 4 डबल क्रोशिया। ओके, हम इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसमें 4 डबल क्रोशिया। फिर इसमें 2 में 4 डबल क्रोशिया हो गया और इसमें हम 2 डबल क्रोशिया, ये तीसरे वाले पर हम क्या करेंगे, 2 डबल क्रोशिया 2 चैन 2 डबल क्रोशिया। ओके, और फिर ये चौथे वाले पर 4 डबल क्रोशिया, पांचवें वाले पर देखिए इसमें 5 चैन है तो इसमें भी 4 डबल क्रोशिया, ये ज्वाइंट है हमारा। तो ये देखें इस पर हमारे कितने डबल क्रोशिया, देखिए 4 8 12 12 16 और 20, और 3 चैन को लेके 21। स्टार्ट में तो हमारे 21 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, बीच में 2 चैन और यहाँ जॉइंट पे भी 2 चैन रहेंगे, ये 2 चैन बीच में रहेगा, यानी कि हमारे 20 डबल क्रोशिया और एक फ्लावर पे 20 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 चैन हमारे जॉइंट पे रहेंगे। ओके, आपके ये समझ में आना चाहिए। देखिए फिर देखिए यहाँ पर ये 5 चैन इस पे से ये 4 डबल क्रोशिया बनाए, देखिए ये बीच में जॉइंट है, 2 चैन बनाए। फिर देखिए इस फ्लावर पर भी देखिए 4 डबल क्रोशिया, इसमें 4 डबल क्रोशिया, इसमें फिर 2 डबल क्रोशिया 2 चैन 2 डबल क्रोशिया, फिर ये 4 डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया और फिर ये देखिए जॉइंट पर हमने 2 चैन बनाया। तो इस तरह हमको बनाना है। तो ये देखिए यहाँ 3 चैन बनाने के बाद इसमें हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 3 और ये 4। ये पांचवा मैंने भूल से बना लिया है, आप 5 नहीं बनाएंगे, 4 बनाइएगा। इसमें भी 4 डबल क्रोशिया, ये दूसरे वाले में भी 3 और 4। तो ये देखिए दोनों में 4 4 बना लिया। अब ये बीच वाला, ये तीसरा वाला जो 3 चैन स्पेस है वो 4 चैन स्पेस है, इसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 2 2 चैन और फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया 2 चैन 2 डबल क्रोशिया। अब ये चौथे वाले में बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और 4। फिर ये इसमें भी 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। अब यहाँ जॉइंट है तो जॉइंट पे हम बनाएंगे 2 चैन। अब इस साइड हम फिर 4 डबल क्रोशिया, ये दूसरे वाले फ्लावर पे हम बना रहे हैं 4 डबल क्रोशिया,
ये देखिए एक फ्लावर पे इस तरह बन के आया। यहाँ ज्वाइंट पे हमारे दो चैन हैं और ये बीच में हमारे दो चैन। ये देखिए दूसरे वाले फ्लावर पे हमने चार डबल क्रोशिया दो टाइम बनाने के बाद, ये देखिए दो डबल क्रोशिया इसमें बना के दो चैन और फिर दो डबल क्रोशिया तीसरे वाले पर हम बना लेंगे। ये दूसरे वाले फ्लावर पे हम बना रहे हैं, फिर इसमें हम चार डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे, फिर दो टाइम ये चार बनाए। यहाँ ज्वाइंट है, हर ज्वाइंट पे हम दो चैन बनाएं, एक दो दो चैन बना के फिर चार डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे, चार इसमें बनाएंगे, अब चार इसमें बना के चार इसमें बनाएंगे, बीच में फिर दो डबल क्रोशिया दो चैन दो डबल क्रोशिया, एक बीच में हम दो चैन बनाएंगे और एक यहाँ ज्वाइंट पे दो चैन बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया दो चैन दो डबल, फिर इसमें चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर चार डबल क्रोशिया बना के ये ज्वाइंट है तो फिर दो चैन बना के इधर चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम पूरा रो कंप्लीट कर, ये देखिए हमने पूरा रो कंप्लीट कर लिया है। ये पूरा यहाँ देखिए हमारे हर 10 डबल क्रोशिया के बाद हमने दो चैन बनाया है। ये देखिए ये 10, ये देखिए ये चार और ये दो, 10 हो गए और ये दो चैन बनाया। फिर देखिए यहाँ पे ये चार ये दो, फिर दो चैन है 10। तो यानी हर 10 डबल क्रोशिया के बाद हमने दो चैन बनाया। तो इस तरह ये पूरा रो कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर लास्ट में हमने जैसे स्टार्ट में चार डबल क्रोशिया बनाया था वैसे लास्ट में भी हमने चार डबल क्रोशिया बनाया है। अब देखिए अब चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हम जो है एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। जैसे हमने वहाँ स्टार्ट में तीन चैन बनाया था तो यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो लास्ट में और स्टार्ट में हमारे 11 डबल क्रोशिया के बाद चैन आएंगे। ओके, अब यहाँ से तीन चैन बनाएंगे, 1 2 3। तो यहाँ हमारे पास 11 डबल क्रोशिया है तो पहले हम 11 डबल क्रोशिया बना लेंगे, उसके बाद हम दो चैन बनाएंगे, यानी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन के ऊपर चैन बनाएंगे। यहाँ हमारे पास स्टार्ट में हमारे पास 11 डबल क्रोशिया है तो हम 11 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए यहाँ सभी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, ये देखिए यहाँ चैन है तो यहाँ हम दो चैन बनाएंगे, दो चैन बना के फिर यहाँ पर हम ये दो चैन बना के फिर यहाँ हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सभी यहाँ पे दो डबल 10 डबल क्रोशिया, फिर ये दो चैन बना के फिर 10 डबल क्रोशिया, फिर दो चैन बनाएंगे फिर 10 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह ये पूरा रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमने पूरा रो कंप्लीट कर लिया, पूरा रो कंप्लीट कर लिया। ये देखिए हर 10 के बाद दो चैन, हर 10 के बाद दो चैन है। तो इसी तरह हमें ये पूरा बनाना है। अब देखिए इसको फिर हम इसी तरह करेंगे, ये हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और जहाँ चैन है वहाँ चैन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर चैन आ गया तो यहाँ हम चैन बनाएंगे, फिर यहाँ डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो ये हम पूरा, फिर देखिए यहाँ तक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चैन बना के फिर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चैन बनाएंगे फिर 10 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह हम बनाते हुए अपने नीट के अकॉर्डिंग लंबा बना लेते हैं इसको, फिर उसके बाद हम दिखाते हैं कि आर्म होल कैसे निकालेंगे। ये देखिए इसको हमने इतना बना लिया है, हम इंची टेप, ये देखिए यहाँ से ये देखिए 16 इंच से 2 पॉइंट कम यहाँ। अगर यहाँ पर आप इसकी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसकी लंबाई और बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से हम आर्म होल निकालेंगे, तो आर्म होल निकालेंगे तो देखिए ये इसको हम क्या करेंगे, ये हमने क्या 1 2 3 धारी हमने ये फ्रंट पर रखा और ये आर्म होल के लिए इतना छोड़ दिया। ये देखिए हमने ये यहाँ पे मार्क किया तो ये आर्म होल के लिए छोड़ दिया, ये यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया ये आर्म होल के लिए छोड़ दिया। और ये देखिए बैक में हमने 6 धारियाँ रखी, 1 2 3 4 5 6 ये रख के फिर ये देखिए ये आर्म होल के लिए ये छोड़ दिया है और 3 इस साइड पर है, 1 2 3। तो देखिए हमने इस तरह ये मार्क कर लिया है। अब हम जो है यहाँ से नेक घटाएँगे और यहाँ तक बना के लाएँगे। अब देखिए यहाँ से हम बनाएंगे 3 चैन 1 2 3 चैन बनाने के बाद ये और ये दोनों डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। यहाँ नेक के लिए हम घटा देंगे, एक लूप यहाँ से निकालेंगे एक लूप यहाँ से निकालेंगे, 3 लूप से निकाल के 2 लूप से, तो इस तरह यहाँ पर एक घट जाएगा। तो इसको हम कहते हैं डिक्रीज हो गया, एक डिक्रीज कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ से हम जैसे हम बना रहे हैं उसी तरह बनाएंगे, सभी चैन पर यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लेंगे।
अब यहाँ दो चैन है, यहाँ दो चैन बनाएंगे और फिर यहाँ डबल क्रोशिया बना के हम यहाँ तक बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक बनाते हुए ले आए। अब देखिए ये जो दो चैन स्पेस है यहाँ हमने मार्क किया, इस दो चैन स्पेस है इसमें हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और दो। अब इस साइड से हम क्या करेंगे, सभी चैन पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट में यहाँ पर एक डिक्रीज कर देंगे। तो हम पूरा सभी चैन पर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ दो चैन है तो यहाँ दो चैन बनाएंगे, यानी जैसे डिजाइन है उस तरह बनाते हुए लाएंगे। देखिए सेकेंड रो यहाँ से यहाँ तक बना लिया, अब यहाँ पर भी एक घटा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर तीन चैन बचे, तो पहले इसमें एक लूप निकालेंगे फिर इसमें से एक लूप निकालेंगे, तीन लूप से निकाल के दो लूप से, तो एक घट गया। अब ये तीन चैन है इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया लास्ट में बनाएंगे। ओके, तो नेक पर हमने सेकेंड रो पर भी घटाया है, अब ये थर्ड रो है, थर्ड रो पर भी हम घटाएंगे। तीन चैन बना के यहाँ पर हम देखिए एक लूप इसमें से निकालेंगे, एक लूप इसमें से निकालेंगे, दो तीन लूप से निकाल के दो लूप से निकालेंगे। तो थर्ड रो पे हमें यहाँ पर भी घटाना है और बाकी हम यहाँ सभी पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ दो चैन है तो दो चैन बनाएंगे और फिर एक डबल क्रोशिया यहाँ, फिर 10 डबल क्रोशिया बना के दो चैन बनाएंगे, फिर लास्ट के ये 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो थर्ड रो हम इस तरह कंप्लीट करेंगे। फोर्थ रो पर आएंगे तो यहाँ नेक पर हम नहीं घटाएंगे। फोर्थ रो फिफ्थ रो पे जब यहाँ आएंगे तो हम यहाँ पर फिर घटाएंगे। इसी तरह हम पूरा घटाते हुए 18 रो कंप्लीट करेंगे। लास्ट में हम 20-22 चैन छोड़ेंगे, आप कम ज़्यादा भी घटा सकते हैं। ये देखिए इसको घटाते हुए हमने इसको 18 रो कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हमारे पास देखिए यहाँ पर जो है 20 डबल क्रोशिया दो चैन बचे, यानी 22 चैन हमारे पास है ऊपर। ओके, ये आप नेक को कम ज़्यादा घटा सकते हैं। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ हम बनाएंगे एक चैन, एक चैन बना के इसको हम यहीं से कट कर देंगे। देखिए इसी तरह हमने ये दूसरी साइड भी ये नेक तैयार कर लिया है। ये भी हमने 18 रो बनाया, लास्ट में ये देखिए ये 22 डबल क्रोशिया इस साइड भी बचे। ये देखिए बैक भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए बैक में हमें कुछ नहीं बनाना था, ये दो चैन स्पेस से देखिए ये बीच का हमें ये 10 डबल क्रोशिया छोड़ना था आर्म होल के लिए। जैसे दो डबल क्रोशिया इस साइड बनाया था वैसे दो डबल क्रोशिया इस साइड भी बना लिया है। दो डबल क्रोशिया इस साइड बना के यहाँ सभी चैन पर एक डबल क्रोशिया बना के चैन के ऊपर चैन, जहाँ यहाँ चैन है यहाँ चैन बनाए, फिर 10 डबल क्रोशिया, फिर चैन, फिर 10 डबल क्रोशिया, इस तरह करते हुए पूरा रो कंप्लीट कर लिया है। यहाँ देखिए ये दो चैन स्पेस पे यहाँ पर भी हमने दो डबल क्रोशिया बना लिया। तो इस तरह बनाते हुए इसको हम पूरा डबल 18 रो या हमने कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए ये फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड है, ये ऐसे करके अब इसको हम जो है शोल्डर ऐड करेंगे। तो ये देखिए फ्रंट साइड है और ये भी फ्रंट साइड है, ये ऐसे फ्रंट साइड है। तो ये इस वाले पल्ले को ऐसे करके इसके ऊपर रखेंगे, ये ऐसे ऐसे रख के इसको हम ऐड कर लेंगे। तो देखिए ये देखिए बैक हमने रेडी कर लिया, तो इसका ऊन ये देखिए ये है। अब देखिए ये वाला जो लूप है ये फर्स्ट वाले चैन है जो ये इस चैन पे ये लूप इस साइड निकाल लेंगे, इस साइड निकालने के बाद पहले एक चैन बनाएंगे, अब नेक्स्ट चैन पर हम क्रोशिया डालेंगे, इस साइड भी नेक्स्ट चैन पे क्रोशिया डालेंगे और ऐसे करके एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो हमें ये बैक साइड से ऐड करना है, ये हमारा बैक साइड है। ओके, फिर हम इसके बगल वाले चैन पे क्रोशिया डालेंगे, इस साइड भी बगल वाले चैन पे क्रोशिया डालेंगे और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर इसमें क्रोशिया डालेंगे, यहाँ पे क्रोशिया डालेंगे और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो हम इसको इसी तरह ऐड करेंगे, ये पूरा हम यहाँ तक ऐड कर लेते हैं, फिर इस पर चैन पर दिखाते कैसे ऐड करना। ये देखिए यहाँ चैन है तो हम क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पर पहले हम एक चैन बना के और ये दूसरे वाले चैन से ये करेंगे, यहाँ पर भी दूसरे वाले चैन पे डालेंगे और इसको एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, इस तरह ऐड कर लेंगे। और फिर यहाँ पे ये देखिए इस चैन पे डालेंगे फर्स्ट वाले पर, यहाँ पर भी फर्स्ट वाले पे डालेंगे, ये ऐसे करके ये ऐड कर लेंगे। तो इसको हम पूरा इसी तरह ऐड कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ये देखिए हमने पूरा ऐड कर लिया, लास्ट वाला चैन ये बचा है, ये लास्ट वाले पे इसमें डालेंगे और यहाँ इस पे डालेंगे ये एक स्लिप स्टिच।
ये हमारे 8 डबल क्रोशिया है और यहाँ ये 10 डबल क्रोशिया। देखिए ये दो डबल क्रोशिया यहाँ बच गया। अब यहाँ हम एक चैन बना के इसको हम यहीं पे कट कर देंगे। देखिए हमने दोनों साइड आर्म होल ऐड कर दिया है। ये बटन पट्टी यहाँ बनेगी और यहाँ नीचे हम बॉर्डर, नीचे का बॉर्डर बनाएंगे। आएंगे बटन पट्टी बनाएंगे तो ये देखिए ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर यहाँ पर है तो इस कॉर्नर पे यहाँ हमने स्लिप नॉट बना लिया। इस कॉर्नर पे इसमें डाल के देखिए, ये देखिए यहाँ जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, देखिए ये कॉर्नर है, हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, इसमें हमने देखिए यहाँ से डाल दिया है। यहाँ से एक लूप निकाल के 1 2 3 ये देखिए, ये इस साइड का 3 छेद बना के हम इसमें बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया। 1 2 हम इसमें 5 बना लेते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ पर 4 चैन है तो इसमें हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हमने 5 बनाया है, इसमें 4 बनाएंगे, 1 2 3 4, ये भी 4 चैन है तो इसमें भी 4 बनाएंगे, 1 2, ये देखिए हमने इस पर भी 4 बनाया, इस पे तीनों पर हमने 4 बनाया। अब ये 5 चैन स्पेस है, इसमें 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और ये डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया। फिर ये 5 चैन स्पेस है, फिर इसमें 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और फिर यहाँ पर ये देखिए इस पर भी 4, इस पर भी 4, इस पर भी 4, और फिर ये लास्ट वाले में इसमें 5। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये तीनों पे 4 4, इस पर भी 4 बनाए, इस पर भी 4, इस पर भी 4, इसमें 5 बनाए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिए ये जो यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए यहाँ से ये डबल क्रोशिया का ये देखिए ये 1 रो है तो इस पर 2 बनाएंगे, 1 और 2, देखिए ये भी, ये देखिए ये डबल क्रोशिया का रो है, इस पर भी 2 बनाएंगे, 1 2, देखिए ये भी डबल क्रोशिया का रो है, ये इस पर भी 2 बनाएंगे, 1 और 2, तो यहाँ हम सभी डबल क्रोशिया के रो पर हम 2 2 बना लेंगे, यानी सभी रो पर 2 2 डबल क्रोशिया। तो हम यहाँ तक बना लेते हैं, यहाँ से हमने नेक घटाया तो यहाँ पे हम दिखाते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए हमने यहाँ तक बना लिया, अब यहाँ पर हमने नेक घटाया तो यहाँ से देखिए यहाँ पहले हम इस वाले ये सिंगल, ये देखिए ये इस रो पे, इस पे हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। यहाँ से पहले हम यहाँ 3 बना लेंगे, ये यहाँ से हमने नेक घटाना शुरू किया तो ये हम 3 बनाएंगे, क्योंकि ये ऐसे करके ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो फिर यहाँ से वही सेम करेंगे, सभी रो पे 2 डबल क्रोशिया। अब ये वाला रो है, इस पे 2, ये देखिए ये भी डबल क्रोशिया का रो है, इस पे भी 2, ये डबल क्रोशिया का रो है, इस पे भी 2। तो यहाँ से हम सभी डबल क्रोशिया पे, सभी रो पर, सभी पे 2 2 बना के लेके आएंगे। देखिए ये देखिए यहाँ तक पूरा, और फिर देखिए यहाँ बैक पर हम सभी चैन पर 1 डबल क्रोशिया यहाँ बैक पर बनाएंगे। ये जब बैक का नेक है तो यहाँ पे इस तरह बनाएंगे, फिर यहाँ से हमारा फ्रंट का नेक शुरू हो जाएगा। तो जैसे हम इस साइड बनाएंगे वैसे हम इस साइड भी बना लेंगे, ये देखिए सेम उसी तरह इस साइड भी, हर रो पे 2 डबल क्रोशिया, और जैसे हमने इस साइड यहाँ पर बनाया उसी तरह यहाँ पर बना लेंगे। देखिए बटन पट्टी पर हम इस साइड से बनाते हुए लेके आए, देखिए ये पूरा नेक पर भी देखिए ये हमने बना लिया, फिर इस साइड नेक पे बनाते हुए देखिए हमने पूरा इस साइड भी बना लिया, ये इस साइड बना लिया। ये देखिए स्टार्ट में ये देखिए हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया था तो यहाँ पर भी हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये जो हाफ डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। तो अब देखिए हम इस साइड बनाएंगे, नीचे के बॉर्डर हम बनाएंगे, अब नीचे की साइड हम बनाएंगे। अब देखिए इसको घुमाकर हम इस साइड ले आएंगे, तो इसको घुमाने के लिए देखिए हमें यहाँ पर ये कॉर्नर बनाना है। तो यहाँ हमने 1 डबल क्रोशिया बना लिया, 4 और बनाएंगे इसी पर तो 5 हो जाएंगे। तो हम जो है
दो हो गए, ये एक बना चुके थे, दो तीन चार, इसी चैन पे बनाना है, और पांच। तो ये देखिए कॉर्नर पर हमने ये पांच डबल क्रोशिया बना लिया, ये पांच डबल क्रोशिया। अब इस साइड को, ये साइड हमें नीचे बॉर्डर की, और इसमें छह डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। ये देखिए हमने इस पे छह बना लिया, ये देखिए, तो कॉर्नर इस तरह ऐसे आया। ओके, अब इसमें छह बनाने के बाद इसमें चार बनाएंगे, एक दो तीन चार, चार। अब इसमें पांच बनाएंगे। यहाँ ऊपर हमने क्या किया था, ये बीच वाले में दो डबल क्रोशिया, दो चैन, दो डबल क्रोशिया बनाया था, तो हम यहाँ पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे, नीचे हम चैन नहीं बनाएंगे। ओके, यहाँ पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, देखिए हमने इतना बना लिया। देखिए इसमें पांच बनाया, इसमें चार, फिर इसमें पांच बनाया। ये देखिए फ्लावर के, देखिए यहाँ पर हमने ये ज्वाइंट है फ्लावर का, तो यहाँ पर पांच बनाया। अब इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन नहीं बनाएंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर पांच डबल क्रोशिया। ये देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पांच बनाया, फिर इसमें चार बनाएंगे, इसमें पांच, इसमें चार, फिर इसमें पांच, फिर ये ज्वाइंट आ गया, तो ज्वाइंट के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पांच बनाएंगे, फिर पांच बनाएंगे, और यहाँ इस पे चार बनाएंगे, ये बीच वाले में पांच, इसमें चार पांच चार, ऐसे बनाना, चार पांच चार, और ये ज्वाइंट पे पांच, और इसके ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर एक, फिर पांच, इस तरह। तो ये पूरा रो हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए नीचे बॉर्डर का पूरा रो हमने कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए पूरा कंप्लीट कर लिया है। देखिए लास्ट में हमने इसमें छः डबल क्रोशिया इसमें हम बना लेंगे। अब देखिए इस वाले चैन पर ये एक डबल क्रोशिया पहले ही से बन गया था, इसमें चार और बना लेंगे, ये हाफ डबल क्रोशिया पे, एक दो तीन चार, यहाँ एक दो तीन, तीसरे वाले चैन से यहाँ हम स्लिप स्टिच से ऐड कर लेंगे। ये देखिए ये कॉर्नर ऐसे बन के रेडी हो गया। अब देखिए इसको हम यहाँ पर एक रो नीचे एक रो हम और बनाएंगे, तो इसको हम देखिए इस साइड करेंगे, इस साइड करके यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बना लेंगे, इस चैन पे एक स्लिप स्टिच बना देंगे, और इस वाले चैन पर एक स्लिप स्टिच, ये तीसरे वाले चैन से, ये देखिए एक दो, ये तीसरे वाले चैन से हम बनाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से एक दो तीन, तीन चैन बना के यहाँ हम सभी चैन पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ हम सभी चैन पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना, जितने चैन है सभी चैन पर एक डबल क्रोशिया। तो हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ये देखिए नीचे हमने सेकेंड रो सभी पर एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये बटन पट्टी और नीचे का ये बॉर्डर हम ये थर्ड पार्ट में बताएंगे। अगर आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।